हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम 17 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें हम लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो पहली इन्फॉर्मेशन में पूछा गया है कि जो अभी 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है जिनेवा में, उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया की तरफ से किसने एड्रेस किया है, वो आपको बताना है कमेंट। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया है भूपेंद्र यादव, दूसरा नरेंद्र मोदी जी, तीसरा है अमित शाह और चौथा है आपका राजनाथ सिंह। तो आपको बताना है कि इसमें से करेंट जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो आपका 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें इंडिया की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने पार्टिसिपेट किया है। आप साइड में इमेज देख भी रहे होंगे, ये भूपेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया को एड्रेस किया है। देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। कहाँ कंडक्ट हुई है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया है। कौन सा एडिशन है? तो ये आपका 111th एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कब से कब तक कंडक्ट हुई है ये कॉन्फ्रेंस? तो ये 15 से लेकर 16 जून के बीच में कंडक्ट की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का आप उससे हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड का पार्ट है। जिनेवा और किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? तो आपने सुना होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनेवा जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये क्यों बनाई गई, क्या रीजन पड़ा कि इसे बनाने की जरूरत पड़ी? तो ओरिजिन की बात करते हैं, तो जब 1919 में वर्षाए की संधि हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अफिलिएटेड एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। किसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी? अफिलिएटेड एजेंसी के रूप में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूएसए में। फिर उसके बाद 1946 में क्या हुआ, ये यूएसए की फर्स्ट अफिलिएटेड स्पेशलाइज एजेंसी बन गया। ये पॉइंट भी याद रखने लायक है कि फर्स्ट अफिलिएटेड स्पेशलाइज एजेंसी के रूप में आपका ILO कब बना? तो 1946 में बना। उसके बाद इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि जो ग्लोबल लेवल पे या लोकल लेवल पे, जब हम ग्लोबल या लोकल लेवल पे बात करते हैं शांति की, तो शांति की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि सामाजिक न्याय को स्थापित करना, ताकि वैश्विक लेवल पे यानी ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल पे शांति की स्थापना की जा सके, तो ये इसका उद्देश्य था। ये तो हमने जान लिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं भूपेंद्र यादव जी के बारे में कि भूपेंद्र यादव जी कौन है। तो गाइस, भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो इंडिया के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इंडिया में जो लेबर है या जो एम्प्लॉयमेंट है, इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज है, इन सभी ने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, यानी इन सभी फील्ड में इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है, क्या क्या अचीवमेंट इंडिया ने अचीव किया है, क्या क्या स्कीम्स लागू की गई हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सभी चीज़ों को, इन सभी स्कीम्स के बारे में इंडिया की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने रिप्रेजेंट किया है। किसमें रिप्रेजेंट किया है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में। कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि आपको मैंने कुछ कॉन्फ्रेंस यहाँ मेंशन की गई हैं जो अभी अभी फिलहाल हुई हैं कुछ, और कुछ होने वाली है, तो उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 यानी जो 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होने वाली है वो कहाँ कंडक्ट होगी? तो ये आपकी अबू धाबी में कंडक्ट होगी, यानी जो UAE का पार्ट है। और इस ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो UAE ही इस UAE कंट्री जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है। IUCN की बात करें तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्व करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है IUCN। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस यानी कॉन्फ्रेंस 2025 में कंडक्ट होगी, कब से?
9 से 15 तारीख यानी कि 9 से 15 अक्टूबर के बीच में 2025 में अबू धाबी में इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होगी। कौन कर रहा है होस्ट? तो यूएई इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है। इसके बाद हम ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अभी तक नहीं था, बाद में ऐड हुआ है सबसे लास्ट में। साउथ अफ्रीका के पहले इसका नाम ब्रिक था, जब साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो ब्रिक्स कर दिया गया। अब इसका जो अगर इसकी बात करें तो अगस्त 2023 में इसका क्या होना है, यानी ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो मीटिंग है, ये हेल्ड होने वाली है। कब होगी? अगस्त में होगी। कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। उसके बाद ये कौन सा एडिशन है इसका? ये 15वां यानी 15 एडिशन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 15 एडिशन है, जो अगस्त के अंत में दक्षिण अफ्रीका के डरबन, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस कंट्री में हो रहा है तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में कहाँ हो रहा है? तो डरबन में हो रहा है। और ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था और अप्रैल 2011 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। यानी कि जो ब्रिक जो ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बिल्ड हुई थी? 2006 में। उससे पहले 2011 से पहले इसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व नहीं था, तब तक ये ब्रिक थी। 2011 में साउथ अफ्रीका इसमें इन्वॉल्व हो गया, यानी इसका पार्ट बन गया, तब से ये ब्रिक्स बन गया। कब पार्टिसिपेट किया था? तीसरे ब्रिक्स शिखर में इसका पार्टिसिपेशन हुआ था, किसका? साउथ अफ्रीका का। तो ये चीजें याद करनी है। फिर एससीओ समिट की बात करें तो एससीओ समिट को कौन होस्ट कर रहा है? तो इसको इंडिया, यानी अपनी जो कंट्री है इंडिया, वो एससीओ समिट को होस्ट कर रही है। कब कंडक्ट होगा? ये 4 जुलाई 2023 को कंडक्ट होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन समिट। ये कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस भारतीय नौसैनिक पोत ने इंडोनेशिया बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? यानी जो आपका इंडोनेशिया है, वहाँ एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया से पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कौन सा नौसैनिक पोत पार्टिसिपेट कर रहा है? नाम आपसे पूछा गया है। एक्सरसाइज कौन सी है? कोमोडो। कोमोडो एक्सरसाइज का नाम है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा INS इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑप्शन आपके पास INS राजपूत, INS सतपुरा, INS विराट या INS कमोर्ता। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है INS सतपुरा। INS सतपुरा इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या है ये। तो जो भारतीय नौसेना का जहाज है सतपुड़ा, वो इंडोनेशिया पहुंच चुका है और उसके बाद वो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, क्यों की जा रही है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि जो एशिया और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें तनाव देखा जा रहा है, यानी तनाव में वृद्धि हो रही है, छिटासी हो रही है, यानी कि हम इसमें ट्रेड करेंगे, ये हमारा पार्ट है, किस पे कब हर बात मतलब हर चीज इसी पे चल रही है, कब्जा होने पे। तो इसी को लेकर बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 36 देश यानी 36 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें आपका चाइना भी है, इंडिया भी है, यूएसए भी है, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये 4 दिवसीय यानी 4 डेज की एक्सरसाइज है, 4 दिन तक चलेगी। कब से कब तक चलेगी? तो ये 8 जून तक चलेगा, यानी कि आपको संडे से स्टार्ट हो गया है और 8 जून तक ये एक्सरसाइज चली थी। कहाँ चली थी? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में किस पोर्ट पे चली थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। यह मकासर पोर्ट है इंडोनेशिया में, जहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे, 47 कंट्रीज को इनविटेशन इंडोनेशिया ने भेजा था कि आप इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो ये आपका अरब सागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है, इस पे जो दावा कर रहे हैं लोग या जो बहुत ज़्यादा छीटा कसी हो रही है, इसको एक शांति बिल्ड किया जाए, शांति स्थापित किया जाए, हर चीज़ मैनेज की जाए। तो उसके लिए सभी ये 47 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनमें से कितनी कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ मेंशन है 36 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया है। ये देखिए, कॉरपोरेशन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल
मैरिटाइम सिक्योरिटी, यानी कि जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, समुद्र की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये चलाया गया है। कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन है। नाम क्या है? कोमोडो एक्सरसाइज। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इंडिया की तरफ से INS सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच सिटी इज होस्टेड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया। आप सभी को पता है कि G20 की जो मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में कौन सी सिटी, यानी इंडिया का कौन सा शहर ऐसा है जो G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट कर रहा है। चार ऑप्शन आपके पास, पंजिम, वाराणसी, पुणे, चेन्नई। तो आप बताइए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी से होस्ट कर रहा है G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को इंडिया में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 समिट में टोटल 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ मेंशन की गई हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 20 कंट्रीज हैं जो इस समिट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कहाँ हो रही है ये? ये इंडिया में हो रही है। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट लेवल द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फिक्स द रेपो रेट इन इट्स June 2023 बाई मंथली मीटिंग। यानी June 2023 में मीटिंग कंडक्ट कराई RBI ने। उन्होंने जो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का उन्होंने वो किया, मतलब कमिटी हुई, उसमें रेपो रेट इन्होंने फिक्स कर दिया। तो उस वो कौन सा रेपो रेट है जो RBI के थ्रू फिक्स किया गया, वो आपसे पूछ रहा है। तो RBI ने कहा कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले थी उसी को ही हम सेम रखेंगे, अपना रेपो रेट हम चेंज नहीं करेंगे। तो कहाँ, किस रेपो रेट पे फिक्स हुआ है? 6.50। इन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजमेंट नहीं किया है, मना कर दिया है। लास्ट टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी RBI की, कब आई थी? 2016 में। और उसके बाद आपको याद होगा PM जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, तो वो कब आई थी? वो 2014 में आई थी। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस कब आई थी, जिसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो रहा था, तो जो 2014 में आई थी। और RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 2016 में आई थी। रेपो रेट कितना फिक्स किया गया है? 6.50%। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन्होंने ये बात की है। तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये शक्तिकांत दास जी की फोटो है। यानी ये शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी हैं क्या? तो ये हैं आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर। यानी कि गवर्नर का नाम क्या है? रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास जी। किस नंबर के गवर्नर? ये 25th गवर्नर है। तो ये चीजें आपको याद कर रखना है। और इन्होंने कहा है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। यहाँ आपको याद करने के लिए ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी किससे, रेपो रेट क्या फिक्स किया गया है? तो 6.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि RBI हैज डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इशू व्हिच टाइप ऑफ कार्ड्स अब्रॉड। यानी RBI ने विदेशों में बैंकों को किस प्रकार के कार्ड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आपके पास, रुपए प्रीपेड फोरेक्स कार्ड, गोल्ड डिनोमिनेटेड कार्ड्स, SGB कार्ड्स या रुपए पेट्रो कार्ड्स। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रुपए प्रीपेड फोरेक्स कार्ड। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये रुपए आप जानते ही होंगे, आप यूज भी करते होंगे कार्ड। इस कार्ड को RBI ने कहा है कि जो ट्रैवलिंग, मतलब जो इंडियंस ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग इंडियंस है, यानी जो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इशू करेगा बैंक। यहाँ ये बोला गया है कहाँ? अब्रॉड में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, जिनमें से आपका G20 समिट हुआ, और उसके बाद जो ये आपकी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है कहाँ, इंडोनेशिया में, ये हुआ। उसके बाद हमने बात की आपकी लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो PDF के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पूरी PDF आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और डेली आपको करंट अफेयर्स इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।